कूल लग रहा था यार, मतलब ऐसा वो बाइक्स में एंटर हुए थे, वो कुछ भी नहीं था. और जिस तरह से वो गाड़ियां स्टंट कर रही थी, इधर जा रही है उधर जा रही है, रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं. ओह माय गॉड, दिस इज, मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी. पाकिस्तान ने तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा दिया, उनको भी चाहिए कि वो आए. सिक्योरिटी उनको ऐसी मिल जाएगी, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है, इतना पाकिस्तान अफोर्ड कर लेगा. एग्जैक्टली कर लेगा बिल्कुल. उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी मिसहैप होता है तो ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट खराब होगी, इससे भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट खराब होगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगी, पाकिस्तान का जीना मुहाल कर देंगे. कुछ भी नहीं था पाकिस्तानी पीएम का, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि वो मैं डिग्रेड कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हम सबके सामने था, बिल्कुल सामने उनका बहुत अच्छा था. हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन. मैं हूं शतारी, को मेरे साथ है अलमास साहब, और हम वीडियो देखने वाले हैं. लास्ट टाइम हमने अलमास ने नहीं, मैंने और जवेरिया ने एक वीडियो देखी थी जो कि कंपैरिजन था कि लाइक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लाइफस्टाइल कैसा, उनका घर कैसा, वो कैसे रहते, कितनी गाड़ियाँ उनके पास. तो हमने देखा था कि पीएम मोदी का जो लाइफस्टाइल था वो काफ़ी सिंपल दिखाया गया था. अब पता नहीं लाइक उनके घर के बारे में बात नहीं की गई थी, कुछ भी ऐसे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया था, लाइक उनका हाउस वगैरह जिसके बारे में इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं था. ऑन द अदर हैंड शहबाज शरीफ का थोड़ा बहुत दिखाया गया था. आज हमारे पास एक वीडियो है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लाइक शहबाज शरीफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कैसा प्रोटोकॉल है, लाइक वो कहाँ भी जाते हैं तो किस प्रोटोकॉल में वो लोग जाते हैं, कैसा प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है. और बात रही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, लाइक आपने वो वीडियो देखी होगी जब वो दुबई गए थे, अभी रिसेंटली जब मंदिर बना था और वो दुबई गए थे. ओह माय गॉड, मतलब उनको इस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है. अभी बात हो रही है, अच्छा ये बात हम लास्ट में करेंगे, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. एक बात करने लगी थी लेकिन हम लास्ट में उसको कंटिन्यू करेंगे, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हम देख लें कि वीडियो क्या है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. रियल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाके इनकी भी वीडियो को लाइक करें, इनके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिफाइड बाय देयर रेड बैरेज, it is about Shahbaz Sharif, white lanyards and belts, have the honor of presenting God of Honor to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder and first Governor General of Pakistan in 1948. Their motto, Inzibat, discipline, one of the three key constituents of Pakistan's national motto, faith, unity and discipline. अवतीनों हजरात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला रहे हैं. कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का चाको चौबंद दस्ता वज़ीर आज़म के हमराह है, जिसकी क़यादत मेजर कासिम कर रहे हैं. अवतीनों हजरात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं. ओके, अच्छा वो बाइक्स के साथ. इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं. So he is looking handsome. अच्छा यहाँ पे शायद आवाज़ ना म्यूट कर दी गई है वीडियो की, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही वीडियो की. एक न्यूज़ चैनल का बाय March 23 इट इज़ अबाउट लाइक शहबाज शरीफ के बारे में थी. और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल था, लेकिन जो रोड्स पे प्रोटोकॉल होता है वो अलग होता है ना, बिल्कुल लाइक ये तो पता ही था उनको कि वो सिक्योरिटी में हैं, ऑब्वियसली आर्मी का वो सारा एरिया है तो वो सिक्योरिटी में थे, लेकिन जो रोड्स वगैरह से गुजरने के लिए प्रोटोकॉल होता है वो काफ़ी डिफरेंट, वो इससे काफ़ी अलग होता है. सिक्योरिटी में तो कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई
मच्छर भी पर नहीं मार सकता। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है कि रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, रोड्स पूरा पूरा रोड ब्लॉक कर दी जाती है, डजेंट मैटर किसी को क्या मसला है, किसी को क्या इमरजेंसी है, डजेंट मैटर पूरी पूरी रोड्स ब्लॉक कर देती हैं कर दी जाती हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा गलत है, चलना चाहिए उनको भी नॉर्मल तरीके से। लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है शहबाज शरीफ की, बाकी प्राइम मिनिस्टर की तो नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ की मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें ऐसा होता है अलमास कि वो हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, बिल्कुल मतलब बाइक्स बाइक पे। एक दफ़ा वो एक मार्केट में चले गए थे, हॉस्पिटल में चले गए थे, तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि पूरे प्रोटोकॉल की, तो वो काफ़ी हैवी वाला होता है। बहुत से लोगों को इसकी वजह से परेशानी होती है, कोई बेचारा हॉस्पिटल जा रहा होता है, किसी की क्या मजबूरी होती है, उनका सबका काम एक वक्त रुक जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मतलब मैंने बहुत ये किया हुआ एक्सपीरियंस है, जब पाकिस्तान में मैच होते हैं PSL वगैरह, क्रिकेटर्स आते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है। मतलब पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाता है पूरा, ऐसा कहा जाता है काफ़ी टीम्स हैं जो पाकिस्तान में आने से डिनाई कर देती है कि हम नहीं आएंगे, प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, या फिर सिक्योरिटी सिक्योरिटी इश्यूज का मसला आता है, ऐसा आता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू बिल्कुल नहीं रहा। एक दफा हुआ था श्रीलंका के साथ, लेकिन अब बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, न्यूजीलैंड आके इधर खेल के जा चुकी है, तो ऐसा कोई मसला रहा नहीं है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का। बाकी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, लेकिन जब फिर आई हो तो फिर आ जानी है, तो बिल्कुल बिल्कुल शहबाज शरीफ कितनी गाड़ियों में भी आ जानी है, डजंट मैटर अभी वो बाइक्स में है गाड़ियों में है, तो कोई ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट वीडियो है कि PM मोदी का प्रोटोकॉल क्या है, वो किस तरह से अपने प्रोटोकॉल में किसी भी इवेंट वगैरह पे जाते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब वीडियो हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल। वीडियो का टाइटल है ग्रैंड एंट्री ऑफ नरेंद्र मोदी इन KFC स्टाइल। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनका कैसा प्रोटोकॉल है, किसी इवेंट वगैरह पे शायद जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोकॉल ज्यादा लग रहा है सुभाष शरीफ से। ये बहुत कूल है, स्टार जैसी फीलिंग आ रही है। एग्जैक्टली यार, कोई सेलिब्रिटी भी इतना प्रोटोकॉल में नहीं होता। समथिंग के कोई इंटरनेशनली आया है और उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए। नाइस, इट इज मच बेटर देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। रेंज रोवर में वो आए, यहाँ पे सिग्मा वाली फील ले रहा होगा। एग्जैक्टली तो गाड़ी भी ऐसी है ना, उसमें बैठ के वैसे किसी को भी सिग्मा वाली फील आ जाएगी। लोग तो पागल ही हो जाते हैं जब मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पे भी आते हैं। ओ माई गॉड, दिस इज मच बेटर देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, दिस इज मच बेटर। और इतना कूल लग रहा था यार, मतलब ऐसा वो बाइक्स में एंटर हुए थे, वो कुछ भी नहीं था, और जिस तरह से वो गाड़ियां स्टंट कर रही थी, इधर जा रही है उधर जा रही है, रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओ माई गॉड, दिस इज मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल है ना? ऐसा ही होना चाहिए। उसको तो ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई डॉन नहीं आ गया, डॉन टाइप की फीलिंग से आ रही होगी। डॉन आ गया। और अच्छा, मतलब अलमास ये भी सच है कि वो भी एक सेफ एरिया में ही है, ऑब्वियसली वो सेफ एरिया में ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन अपनी ना एक मतलब वो बनानी चाहिए कि भाई कोई आ रहा है, आप देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो सबको देखना पड़ेगा जिस तरह से वो एंटर करें। ऐसे फील आ रही थी जैसे वो लाइक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, और समथिंग लाइक सुल्तान, और इस तरह के लाइक विकी कौशल आ गए हैं,
इस तरह की मुझे फील्स आ रही थी, मतलब गूजबम्स आ रहे थे, वो म्यूजिक भी उन्होंने ऐसा दिया ऐसा लगाया था। हुआ था बिल्कुल। अच्छा तो मैं बात, मतलब वीडियो के स्टार्ट में मैं बात करने वाली थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में इनविटेशन दिया है, तो आई डोंट नो कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आएंगे तो शहबाज शरीफ को ये वीडियो देख लेनी चाहिए कि उनको इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, इस तरह के दोगे तो हम आएंगे वरना नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान ने तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा दिया, उनको भी चाहिए कि वो आए, सिक्योरिटी उनको ऐसी मिल जाएगी, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है, इतना पाकिस्तान अफोर्ड कर लेगा। एग्जैक्टली कर लेगा। और मतलब ऑब्वियसली एक बात है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी व्हाटएवर किसी भी कंट्री के आ रहे हो तो उनकी सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब हमारी आवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, तो ये इस पे हो ही नहीं सकता कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो। बिल्कुल, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी मिसहैप होता है तो ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट खराब होगी, इससे भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट खराब होगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगी, पाकिस्तान का जीना मुहाल कर देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। एक आपको पता है क्रिकेटर्स पे हो तो वो एक छोटा लेवल तो अलग, है अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री को होल्ड ऑन कर रहा है तो वो एक अलग चीज होती है। बाकी मुझे ये बहुत पसंद आया, कुछ भी नहीं था पाकिस्तानी पीएम का, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि वो मैं डिग्रेड कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हम सबके सामने था, बिल्कुल सामने उनका बहुत अच्छा था। तो बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और किसका प्रोटोकॉल ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।